एक व्यक्ति गुरुद्वारा हाट साहब विखे मूँह से कपड़ा बन के जाता है, मत्था टेकता है। मत्था टेकने तो बाद रागी संगत सामने खड़ के पट से थापियां मारना पड़ता। ये पिछे साजिश की है, क्योंकि अक्सर ही गुरुद्वारा साहिबान के अंदर अजिहियां घटनावां वापर रही ने। असीं अक्सर ही सरकार में बेनती करते रहे हैं कि ये पिछे जिहड़ियां साजिशां ने उन्होंने नंगा किया जाए, क्योंकि ये पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल रात एक व्यक्ति गुरुद्वारा हाट साहब विखे मूँह से कपड़ा बन के जाता है, मत्था टेकता है। मत्था टेकने तो बाद रागी संगत सामने खड़ के पट से थापियां मारना पैंदा। इन्हां चेर नूं साडे सेवादार ते ग्रंथी उन्होंने मूँह से कपड़ा खोलण लई कहिंदे ने, पर ओह उन्हां नाल हथोपाई हो जाता। इस हथोपाई च ग्रंथी सिंह दे श्री साहिब वजी। उस व्यक्ति नूं पुलिस ने फड़ के 295A अते 323 का परचा दर्ज किया। पर ये पिछे साजिश की है, क्योंकि अक्सर ही गुरुद्वारा साहिबान के अंदर अजिहियां घटनावां वापर रही ने। कभी कोई जुत्ती पा के दरबार जाता है, कभी कोई नंगे सिर जाता, कदे कोई होर इहो जिहियां हरकतां करता। जिदा कोतवाली गुरुद्वारा साहिब विखे जाके ग्रंथी के चपेटा मारियां ते पावन सरूप की बेअदबी की। ये पिछे कोई बहुत डूंगी साजिश लगती है। असीं अक्सर ही सरकार नूं बेनती करते रहे हैं कि ये पिछे जिहड़ियां साजिशां ने उन्होंने नंगा किया जाए, क्योंकि ये पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि जिवें इहो जिहियां घटनावां वापर रहीआं ते आटोमैटिकली सिख जज्बात भड़कणगे। जे सिख जज्बात भड़के तो पंजाब का माहौल खराब होगा। मैं सरकार नूं, पंजाब सरकार ते हिंदुस्तान की सरकार नूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा कि अजिहे अनसरां नूं तुरंत नੱਥ पाई जाए तो सख्त कानून बनाया जाए, जिहदे नाल अजिहे अनसरां के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।